ये देखो मैं इन दोनों को गंजा कर दिया तो अभी मैंने आपको गांव का नजारा भी दिखाया, आपको हमारे गांव भी दिखाया और सब चीजें दिखाया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ हम फिर से आ गए हैं और वीडियो आज का बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। और वो मैं बोलूंगी कि हम लोगों ने भी उस वीडियो की डिमांड जो है वो की हुई थी, तो आज फाइनली वो वीडियो जो है आ चुका है। पर्सनली तुम्हारी डिमांड थी कि होम टूर देखना है। मैं वही तो मैंने मतलब बहुत सारी वीडियोस की लास्ट में बोला था कि मैं चाहती हूँ एक बार सिराजी अपना होम टूर करवाए करके। हाँ। बहुत एक्साइटेड थी और मतलब होम टूर आ भी गया। ओह माय गॉड, है ना। सो पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंची है किसी न किसी माध्यम से। किसी ने तो कमेंट करके जरूर बोला होगा। गाइस थैंक यू सो मच। पहले सो स्टार्ट करते हैं पहले सिराजी का ब्लॉग। कल आ गया था ब्लॉग, में बहुत एक्साइटेड थी मैंने, आज जल्दी वीडियो बना दिया। मुझे लग रहा सिराजी भी जल्दी इस्लामाबाद से अपने गांव पहुंच चुका है। सो लेट्स आ जाए बस घूमने। सो लेट्स गो टू वॉच। लकड़ी तो काटने पड़ते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे गैस वगैरह तो होती नहीं है ना शहरों की तरह। हाँ। तो हमें यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के लिए हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा गांव है। अच्छा। और वो मछलू विलेज है। अच्छा। वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये पहाड़ पर बसे हुए एक विलेज है। पंखा भी नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत था। आज खुश होकर अपने गाँव आ गया। पहाड़ों से गिलगित बाल्टिस्तान से और मेरे घर से आजकल हमारे गाँव बहुत खूबसूरत हो गया है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। आप देखो इधर भी देखो, मैं सच बोलता हूँ। इधर भी देखो उधर पहाड़ पे बर्फ भी है और उधर ग्रीन ग्रीन भी देखो है, कितना खूबसूरत है। और लोग यहाँ क्या कर रहे हैं पता नहीं, मैं आपको इंतजार बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम। खेती अच्छी होती है। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? ठीक हूँ। कहाँ चलो आप? मैं वजू बना रहा। आप क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर अपने भेड़ बकरियों को चारा डालने के लिए यहाँ पर खेतों में आया था। अच्छा। यहाँ पर घास पास लेने आया था। इस भाई को थोड़ा उर्दू कम आ रही है इसलिए जोड़ जोड़ कर आई। तो ये भाई कह रहा चाह रहा है अपने ये भेड़ बकरियों को घास लेने के लिए आए हैं। ये देखो ये भाई अभी यहाँ से घास निकल रहा है। आप इधर आके मुझसे थोड़ा बात करेंगे क्या भाई? जी जरूर करेंगे। अच्छा आ जाए इधर आप। चलो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे उस पहाड़ पे बर्फ नहीं है, उस पहाड़ पे बर्फ हुए देखो वो क्या हो गया? असल में ना ये पहाड़ हमारा जो ये पहाड़ है वो हाइट में छोटा है बहुत ज्यादा। अच्छा। इसलिए वो पहाड़ हाइट में भी लंबा है, इसलिए जो सर्दियों में बर्फबारी होती है वो वहाँ पर अभी तक होता है। और अच्छा। हमारे पहाड़ का हाइट छोटा होने की वजह से अभी वो खत्म हो चुका है। अच्छा। असल वजह ये है। तो अभी आपके पास कितने भेड़ बकरियां हैं? जो भी आप लोगों ने जैकेट पहनी है मुझे उसको देख के लग रहा है खुश है। दूध देते हैं? हाँ जी दूध देते हैं। ये क्या है यार, ये क्या है? अरे ये तो बहुत मतलब उड़ाते हैं लोग उसको। रुई वाला नहीं, रुई खूब मार के उड़ाते हैं। ये देखो मैं इन दोनों को गंजा कर दिया तो अभी मैंने आपको गांव का नजारा भी दिखाया, आपको हमारे गांव भी दिखाया और सब चीजें दिखाया। और मैं आपको क्या दिखाऊं यार, और क्या दिखाऊं पता नहीं। फूलों को भी गंजा कर दिया और क्या करूं, फूलों को तो गंजा कर दिया। यहां से तो पानी की आवाज आते रहते हैं और बहुत सारे पानी भी आते हैं यहां तो। तुम्हारा बस चले तो यहीं बैठे रहो दिन भर। हां यार कल बहते यार। मुस्कान तो आज नहीं आया है, क्यों नहीं आया पता नहीं। मुस्कान और मेरी अम्मी तो गया था किसी और गांव में यार, और नाना के पास गया था यार, फिर नहीं आया। मुस्कान आज आएगा पता नहीं। मुस्कान ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी लाइक करो मुझे। आपके अम्मी के मोबाइल में देखो ठीक है, और जल्दी आ जाओ। एक बात मुझे आपकी याद आ रही है यार, जल्दी आ जाओ। ये देखो ये बाबा जी
यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और यहाँ की खवातीन यहाँ पे कपड़े धोते हैं। देखो इस पानी के और इस पानी में ये औरत कपड़े धोते हैं। दोस्तों हमारे गांव के लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो खेतों से घास उड़ाते हैं ये औरत सब। देखो खेतों से घास इसलिए उड़ाते हैं कि ताकि भेड़ बकरियों को भेड़ बकरियों को देते हैं और गुलगुलू लोगों को देते हैं तो दूध ज्यादा देते हैं। ये देखो इस घास उठा के ये इस बास्केट में डालते हैं फिर लेके जाते हैं। तो आप में से लोगों ने कहा था कि कमेंट पे अपने घर दिखाओ अपने घर दिखाओ, इसलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको आज पहली बार अपने घर का टूर दिखाने वाला हूँ। वाह नाइस। ये देखो जी यहाँ से हमारा छोटा सा घर शुरू होता है जी। ये हमारा गेट है तो हम अभी गेट के अंदर चलते हैं। अभी हम आपको अपने घर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे घर है जी। ओ मेरा अबू यार है यार। देखो अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रहा है? बस मैं ये लकड़ी काट रहा था। अच्छा अच्छा और इतने मतलब देखो मेरे अबू ये लकड़ी काट रहे हैं हमेशा काम करते रहते हैं। ये देखो ये मेरे अबू है। आप हमेशा लकड़ी क्यों काटते हैं? मैंने भी बहुत लकड़ियां काटी हैं। तो काटने पड़ते हैं ना मैंने वो सौरभ ने मिलके काटते हैं ना शहरों की तरह। तो हमें यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के लिए हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। गोबर सुखा के रखते हैं उसको जला के हम खाना वगैरह बनाते हैं। तो गांव में ये सिस्टम चलते है। अच्छा अच्छा किया था आप? मैं तो वीडियो बनाने गया था। वीडियो बनाने गया था? मदरसा जाके आए हैं अभी? मदरसा अभी जाना है वीडियो बनाने के। माशाल्लाह माशाल्लाह मदरसा टाइम टाइम पे जाना है। ठीक है ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह क्या दिखाने वाले हैं आज? आज तो गाँव और घर। गाँव और घर माशाल्लाह। आज तो गांव ही दिखा लिया और घर दिखाएंगे अभी। ठीक है अल्लाह हाफिज़। यार देखो मैं लगता था ना इस खुलाड़ी से लकड़ी काटते हैं। देखो ऐसे मार मार के हड्डी पतली तोड़ते हैं। अभी मैं अपने छोटे से घर में आ गया हूँ तो मैं आपको अच्छी तरह अपना एक घर दिखाता हूँ। तो ये देखो जी ये है हमारा घर। ये आगे का साइड है और इस साइड पे क्या है मैं आपको दिखाता हूँ क्या रखा हुआ है। तो बर्फ पड़ जाएगी बहुत ज्यादा इसलिए पैसा वाला रखा। बहुत सारे लकड़ी रखा हुआ है। तो इसके अलावा ये देखो ये क्या है इसको हमारे जवानी कहते हैं जी कुंडा। ये कुंडा है ये गाय को खिलाता है फिर गाय बहुत सारे दूध देता है। तो ये देखो हम स्पेशल गाय के लिए खुराक बनाया हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पे बाग भी लगाया हुआ है। देखो हमारे इसको खरी बोलते हैं। छोटा सा बाग है। ये देखो हमारे घर में आटा खत्म हो गया था ना मेरे अबू ने कंधे पे उठा के ये आटा ले आए है मशीन से। पर ये तो यार मुस्कान क्या कर दिया यार ये तो कोई भूत है लड़का है या भूत है पता नहीं। ये देखो मुस्कान ने ना सारे घर की दीवारों पे ना कार्टून बनाया हुआ है यार मैं क्या करूं। सलाम वालेकुम। देखो ये हमारे बरंडे हैं। इसको हमारे दीवार में बरामदा कहते हैं। बरामदा कहते हैं बरामदा होता है बरामदा होता है मुझे पता नहीं। ये हमारे घर का स्टोर है। देखो इसमें आटा चीनी वगैरह इसमें स्टोर करके रखते हैं। इसको हमारे जबान में कहते हैं जी रुगम। इसमें आटा रखते हैं। बाकी हमारा मेहमान खाना आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरी चैनल को जरूर लाइक करें। जब कोई कोई मेहमान आते हैं ना तो यहाँ पे रखते हैं वो। हाँ। ये देखो मेरी दादा जी की फोटो भी यहाँ लगाया हुआ है। तो ये देखो जी ये है जी मेरा कमरा। तो ये मेरा छोटा सा कमरा है। मैं यहाँ पे अपने पढ़ाई भी करता हूँ। मैं यहाँ छोटा भी हूँ यार। मुझे ना वो बेड पे होटल के बेड पे बैठना पसंद नहीं है यार। मुझे अजीब होता है यहाँ पे ना मुझे अच्छा लगता है। जमीन पे सोना अच्छा लगता है बेड पे सोना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं इधर सोता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी अपना किचन। ये देखो ये हमारा किचन। यहाँ पे बर्तन प्याला वगैरह रखा हुआ है मुंगूर वगैरह। देखो और यहाँ पे खाना बनाते हैं जी। देखो किचन में ना ये टीवी भी रखा हुआ है। इसमें मेरे दादा खबर सुनता है। तो अच्छा। इस साइड का कमरा देख रहे हैं अपने छोटे छोटे गुलमुलू रखते हैं। इस साइड में गाय को रखते हैं। इस साइड में बकरियों को रखते हैं। तो इस साइड में गुलमुलू को रखते हैं। ओ, वैसे गुलमुलू और बकरिया की चीज है।
मैं ना अपने बकरी को ना प्यार से गुलमुलू कहता हूँ। ये देखो यहाँ से छत पे जाने का लकड़ी की सीढ़ी बनाया हुआ है। बिस्मिल्ला मैं हमेशा सीढ़ी सीढ़ी पर चढ़ने वक्त ना बिस्मिल्ला कहता हूँ। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला से गिर नहीं जाते हैं। ठीक हूँ। आप क्या कर रहा है? मैं बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा, कहाँ गया था आप? इस्लामाबाद से चश्मा लेके आए। आप गया था तलाश? अच्छा, जहाज में, जहाज में। आपको मेरी याद आया नहीं आया? आया। अच्छा अच्छा, इसी बार पे एक सलाम करूँगी। मुस्कान करूँगा करने के लिए। Assalamualaikum नाज़रीन, कैसे आप? उम्मीद कर रहा हूँ एक भाई हमारे बारे में अगर जाने लिए तो कोई बातुरो में क्या मुस्कान टूट दिया लास्ट में बहुत से बातुरो में मुझे सारा जी नहीं आती बर्बादी नहीं बोल बर्बादी कैसा लग रहा है मैं? अच्छा मुस्कान तो दूसरे गांव जा क्या के ना डायरेक्ट बोल जाए ये तो कोई बाशु में अरे भाई जी बस हो गया हो गया हो गया चलो मुस्कान आप नीचे आराम करो, थोड़ा सो जाओ, मैं वो लोग कंप्लीट कर जाता हूँ। ठीक है ठीक है चलो। तो ये देखो जी, ये है हमारा घर का छत। देखो यहाँ से पहाड़ भी नजर आ रहा है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना सब से। और बाकी आप देख सकते हैं गोबर सुखाया हुआ है यहाँ पे हमारे यहाँ। हमारे गाय ना गोबर देते हैं खेतों में डालते हैं, हम यहाँ पे ला के सुखाते हैं। ओके दोस्तों, अगले वाले में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। आज मुस्कान भी इसमें आ गया, इधर आ गया था उस दूसरे गांव में, मेरे गांव आ गया तो मुझे बहुत खुशी हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, लाइक करना। हमने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। ओके ब्लॉग हो गया खत्म। तो ये था शिराज जी का होम टूर, छोटा सा होम टूर। यार बहुत प्यारा था, लेकिन मजा आया, काफी चीजें याद आ गई मुझे, पुरानी स्टोरीज, तब पुरानी जो हमने बचपन जिया हुआ है ना, वो बचपन याद आ जाता है। और बिल्कुल सिंपल सा, सिंपल सा, कोई हाई फाई चीजें, कोई दिखावटी चीजें नहीं थी, जो था वो था। लेकिन बड़ा अच्छा था, पता है, वो चीजें बड़ा मिस करता हूँ मैं। लिटरली मैं अपने जो मेरे गांव का पुराना घर था, वो मैं घर अभी भी मिस करता हूँ, क्योंकि घर तो नया बन गया लेकिन वो चीजें नहीं रह गई जो पहली चीजें थी, तो मजा नहीं आता उतना। लेकिन जो पुराना घर हुआ करता था, तो मेरे बड़े पापा के लड़के और सब बच्चे और सब, हम सब बैठ के मिलके एक साथ खाना खाते थे, बुआ हुआ लोग रहते, तो काफी मजा आता था, वो फन होता था। लेकिन अब तो वो चीजें नहीं रह गई, सब अलग अलग जगह सेट हो गए। तो लेकिन आते हैं इस ब्लॉग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये हमें कह सकते हैं ना, याद दिला रहा है बचपन की ही याद दिलाता, नॉस्टैल्जिया फील कराता है ना अपने गांव की। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे सिराज का होम टूर। मतलब होता है ना, जैसे अमूमन कुछ कुछ मैंने होम टूर ऐसे देख रखे हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा बना के लोग अपना होम टूर दिखाते हैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो यार, रिएक्शन है जो हम सच वही बोलेंगे ना, इसमें दिखावट अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन सिराज का इसमें जो था, जो है वही उन्होंने दिखा रखा था, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। साथ में उन्होंने जो पानी वाला दिखा ना, खेत वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे मैंने तुमसे बोला नहीं, तुम चाहते तो यहीं पे रह लेते करके, बहुत प्यारा था, मुझे काफी अच्छा लगा। गांव बहुत खूबसूरत हो रखे हैं, क्योंकि अभी जो है ना खेतों में जो है फसलें लहरा रही हैं, मतलब हरा भरा हो रखा है पूरा। ये भी, और मैं साथ में ये बोलूंगी कि शिराज बहुत बड़ा यूट्यूबर है, बहुत छोटा यूट्यूबर नहीं है, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। साइज में छोटा है लेकिन बड़ा धमाका है, धमाका बड़ा है वो। लेकिन ये है कि शिराज की फैमिली बहुत डाउन टू अर्थ है, चाहते तो वो सारी सुविधाएं ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग गाँव से जुड़े हुए लोग हैं और अपने गाँव के साथ ही चलते हैं, गाँव को प्रमोट कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात अपनी जगह को जहाँ रहते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और इस ब्लॉग के लिए मैंने पर्सनली बोला भी था अपनी वीडियो में, और काफी लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था, तो यार मेरे तो मन की इच्छा पूरी हो गई है ना, काफी अच्छा था। चलो कि होम टूर भी देख लिया, सो काफी अच्छा लगा हमें। ब्लॉग्स पे तो हम रिएक्ट करते ही रहेंगे। मिलेंगे आप कोई नई वीडियो के साथ, लेकिन प्लीज उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं ना तो हमें सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और देखते रहें हमारा वीडियो। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय।